आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में गाइस। तो फिर अभी हम लोग यहाँ से मोटर गियर से निकलने वाले हैं। हम लोग के भैया जो हैं वो बोएगांव में हम लोग का वेट कर रहे हैं। एक बोला जाए तो एक प्लानिंग कर रखा है भैया ने, वो सरप्राइज होगा गाइस आप लोग के लिए, तो फिर आप थोड़ी देर बाद देख सकेंगे गाइस। अभी हम लोग हमारे 50% डेस्टिनी में पहुंच चुके हैं, होटल हिमालयन में गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं। तो फिर अभी हम लोग यहाँ पे हमारे भैया जो गोल्डन लंगूर मोटरसाइकिल क्लब से, उनके मोटरसाइकिल क्लब के जो चीफ हैं हमारे मनोज भैया, तो फिर अभी हम उनका वेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो यही कुछ अभी पहुँचने ही वाले होंगे वो। इससे हम लोग तब जब तक कि भैया पहुँचते हैं तब तक हम लोग थोड़ा चाय पी लेते हैं वगैरह, ऐसे लाइट नाश्ता। तो मैंने यहाँ से एक पानी बोतल ले लिया। तो यहाँ में हमारे उमेश भैया ये चाय के साथ एक पेटिस खा रहे हैं। मैं उमेश भैया, ये पानी है आपके लिए। तो मैंने अपने लिए बस एक पानी बोतल लिया है, फिर उमेश भैया वो बस चाय पियेंगे उसके बाद पेटिस खाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे एक भैया हैं जो गोल्डन रंगूर से हैं, वो भैया भी शायद आज साथ में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। इतनी लेट तक ना, तो भैया आज शायद से थोड़ा लेट हो जाएंगे, लेकिन वो लेकिन पहुंच जाएंगे भैया। ये हमारे भैया, नाइस टू मीट यू बेटा। तो फिर ये भैया के साथ मीट करके अच्छा लगा बहुत ही। ये होटल जो है उनका ही है, भैया का ही है। आप आइए यहाँ पे, कुछ भी जो भी चीज़ चाहिए होगा आप लोग को यहाँ पे मस्त चीज़ बनता है। आप आइए एक बार ट्राई कीजिए, फिर बोलिएगा कैसा लगता है। तो फिर अभी हम मनोज भैया का वेट कर लेते हैं बाहर में, है ना भैया? तब तक मैं बाहर में भी वेट कर लेता हूँ, जब आएंगे उसके बाद आपको आवाज़ देके चले जाते हैं ना। आप भी आना लेकिन। ओके भैया, ओके भैया। तो फिर भैया भी हम लोग के साथ जाएंगे, लेकिन उनका लेट हो जाएगा जाना वैसे। तो अभी मनोज भैया का हम लोग वेट कर लेते हैं, जब तक वो पहुँच जाएंगे तो एक साथ मनोज भैया के साथ निकल जाएंगे, है ना हम लोग यहाँ से। तो फिर भैया के साथ इंट्रोडक्शन लेके अच्छा लगा मेरे को। ये होटल हिमालय गाइस, यहाँ पे आकर आपको कुछ भी खाना होगा। यहाँ पे वैसे ऑक्टोपस भी मिलता है गाइस, ऑक्टोपस टेंटिकल्स वाला, छोटा छोटा ऑक्टोपस। तो हमारे मनोज भैया यहाँ पे आ चुके हैं। हाय मनोज भैया, आप कहाँ से जाओगे क्या?
सारी भैया यहाँ पे मिल चुके हैं गेट टुगेदर, उसके बाद हम लोग यहाँ से जाने वाले डेस्टिनी में। ये हमारे पहला वाडा और ये हमारे दूसरे भैया अडानी मुंगा सनराज अडा कलिक मुनाने मार मुंगा मुनाने ना अडा सा छपिया छी ई जिंग ना सेलिब्रेशन ना डिया ये मावो दुनी और चलो है और ना चलो है सुना चीज अमेजिंग नी अडा पहला वाडा बिस्ना YouTube चैनल और नाम आसा है बेसन ऑफ पोटोलैंड अडा या सब्सक्राइब खला मन जावे अडा को आना तो फर्स्ट टाइम से अडा नी हम बा नाइन सी मजा ही हम बा गेट टुगेदर आडा मन लिखोमला आदा मन बहुत गाड़ी ने गाड़ी जो ना माइर चालू जगह बाकी तो ये हमारे एक और भैया है, इनका भी एक चैनल है YouTube में गाइस। धीरे धीरे बनाते बनाते देखते क्या होता है ना आगे। तो फिर भैया लोग से मिलके मीट होके अच्छा लगा गाइस। अभी यहाँ पे ये गाड़ी है, इसमें अभी कुछ लोड होगा सामान, उसके बाद आपको पता चल जाएगा धीरे वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं भैया लोगों के साथ। आज फर्स्ट टाइम भैया लोगों के साथ आके मतलब अच्छा लग रहा है, राइड में पहली बार देख सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ पे भैया लोगों ने सामान लोड करवा दिया है, फिर गाड़ी स्टार्ट होने वाला है, फिर हम लोग भी यहाँ से व्रूम व्रूम होने वाले हैं। ओके ठीक है, फिर तेरा भैया के बाइक्स ये सारे हिमालयंस, फिर हम लोग उसमें आए हमारा रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। तो भैया लोग पूछ रहे थे कि DN ब्लॉक क्यों नहीं आया, तो फिर मैंने उन लोग को बता दिया कि DN ब्लॉक आता हूँ मेरे साथ, वैसे कि हम दोनों का ही प्लानिंग था आने का, उसके बाद लेकिन DN किसी काम पे फंस गया है तो फिर इसलिए वो नहीं आ पाया गाइस। तो फिर मेरे को ये हमारे जो उमेश भैया हैं उनको लेके आ गया मैं, ताकि मैं अकेला ना पड़ जाऊँ, क्योंकि जाते जाते रात को शायद मैं अकेला हो जाऊँगा, रात हो जाएगा इसलिए। तो फिर ये भैया को मैं अपने साथ लेके आ गया ताकि मैं अकेला ना पड़ूँ, है ना भैया? हाँ ठीक है, सही है ना? सही। ओके ये देखो हमारे भैया यहाँ पे अकेले आलू का बोरा उठा के पूरा लोड कर रहे हैं ये अकेले ही, ओ माई गॉड। तो फिर यहाँ पे लोड हो चुका है, हाँ उसमें पोटैटो लेके आए थे हम लोग वैसे। तो फाइनली गोल्डन लंगूर मोटरसाइकिल क्लब के भैया लोगों के साथ मिलके इतना अच्छा लगा मेरे को, मतलब लग रहा है कि मैं भी ज्वाइन हो जाता हूँ, है ना गाइस? तेरे सारे भैया यहाँ पे अनलोड कर रहे हैं, मतलब थार से मैजिक में अनलोड कर रहे हैं ताकि थार में थोड़ा स्पेस हो जाए, है ना? फिर एक ही गाड़ी में हम लोग उठा के लेके जा सकते हैं, उसके बाद थार में शायद से और भी भैया आएंगे, JLRMC के और भी मेंबर्स।
तो फाइनली दोस्तों हम लोग हमारे 100% डेस्टिनी में पहुंच चुके हैं, जो यहाँ पे होने वाला है। मैं आपको दिखाते रहूँगा धीरे धीरे, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये सारे घर तोड़ दिए गए हैं गवर्नमेंट से। वहाँ पे भी देख सकते हो आप, जगह पूरा खाली हो चुका है, यहाँ पे पूरा सुनसान हो चुका है। अभी बस यही बस एक चर्च बचा है इन लोग के पास, तो यहीं पे ये लोग रहते हैं, यहीं पे जमा होते हैं गाइस। बहुत ही बुरा हुआ फ्रेंड्स। तो हम लोग का फाइनल डेस्टिनेशन गाइस यही था। तो फिर अभी यहाँ पे हम लोग जो कुछ भी हम लोग ने कंट्रीब्यूट किया था, मतलब हम लोग के स्टोर से, इसके बाद GLRMC के हेल्प से हम लोग इनको डोनेट कर पाएंगे अभी। अगर GLRMC गोल्डन लंगूर मोटरसाइकिल क्लब अगर हमको हेल्प नहीं करते, तो फिर शायद हम लोग यहाँ पे डोनेट नहीं कर पाए। नोंथांमोननो माबा मोनसे हाथाराब्लाबो एसेखौ जों माबा मोनसे होफैगोन होननानै आं बुंलांदोंमोन, दाखालि खोथा होलांदोंमोन। थिग बिदिनो जों दिनैहाय नै जोंनि लोगोफोर जों बेहाय दंफैयो, ओमफ्राय बेवहाय जों गोबां होनो हायाब्लाबो नोंथांमोननोहाय जा हायो होननानैहाय जोङो एसे माइरं 5 कुइन्टेलसो दङ, ओमफ्राय आलु 10 कुइन्टेलसो दङ, ओमफ्राय बिदिनो थाव दालि बेबायदि दङ। दा बेखौनो नोंथांमोननोहाय बे नोंथांमोननि खस्थ' एबा दुखुनि दिनफ्रावहाय बेजोंनो एसे सहाय होनो होननानैहाय जों फैदों आरो। ओमफ्राय बेहाय जोंनि गासैबो राइडार्सफ्रानो बेवहाय जोंजों फैनायफ्रा, दा माखासे गेस्ट राइडार दङ, ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंनोहाय ओरैबायदि सोरबा सोरबा सापर्ट खालामनाय दं आरो, साथाम साब्रै मानसिफोर। बिसोरो गावसोर हारसिङै माने फैनो हायैयाव असुबिदायावहाय जोंनिफ्रायबो नै इदि लांफादो, आंनिफ्रायबो इदि लांफादो होननानै सोरबा 1,000, 1,500, 2,000 बेबायदि हरनाय दं आरो। दा बुजायलायदो जे बेखौ हाबाबोथ' थानानै थसिगोन, आरो फारसेथिंहाय नों दिनै परीक्षा होग्राफोरबो दं, दाखालिनि सम्बन्धै जोङो माखासे दानि परीक्षा सोलिबाय थानायावहाय, स' दा बेफोरखौहाय जुदि नोंथांमोनहा बोरैबाफोर जुदि मोनसे जायगाफोराव ज' दोनलायनानै फर एग्जामखौथ' नों होखानांगोन नालाय, स' दा नोंसोरो इसोरखौहाय बबेबा मोनसे जायगायावहाय ज' दाथ' फरायनायनिबो परिस्थितिफ्राबो फरायथाव नंला, न'फ्राव गैला, दा नोंथांमोनहा बोरैबाफोर ज' मोनसे जायगाफोराव खालामनानै फरायनायनि सुबिदाखौ खालामना होनो हायोब्ला एसे बेफोरखौ नोंथांमोना सानलायलायदो आरो, उफायथ' गैला। दा आङो बेखिनिखौनो बुंनानै जिरायथ'नोसै। काम यहाँ पे हो चुका है फ्रेंड्स। उसके बाद अभी हम धीरे से यहाँ से निकलने वाले अलविदा कह के, ये लोग भी अच्छे से रहें जैसे कि, है ना, जो कि हम लोग मोटो गियर से हम लोग दे पाए हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ GLRMC गाइस, गोल्डन लंगूर मोटरसाइकिल क्लब फ्रेंड्स, उनके वजह से ही हम लोग डोनेशन दे पाए हैं, वरना ये मुमकिन नहीं था फ्रेंड्स इन लोग इसके लिए। आई एम सो थैंकफुल टू GLRMC। अगर आप लोग इस साइड से जाते रहोगे ना, तो आपको भूटान यही कुछ 3 या फिर 4-5 किलोमीटर में मिल जाएगा आपको, लेकिन आपको ऑफ रोडिंग बाइक लेके ही जाना पड़ेगा इस साइड से, लेकिन आप घुस तो नहीं पाओगे, लेकिन बस बता रहा हूँ मैं कितने दूर है ये, है ना। सो नाउ अभी बैक टू द मोटर गियर्स, और ये अनार यहाँ पे ड्रेसिंग कर रहे, और यहाँ पे हमारे उमेश था, ये पता नहीं गाड़ी का कुछ ऑपरेशन करने वाले हैं दोनों मिल के। दोस्तों वैसे तो मैं कल रात को ही बोरमा पहुँच चुका था, यही कुछ 9-10 बजे होंगे रात के, तो मैं रात को मतलब इवनिंग का क्लिप क्यों नहीं ले पाया बोला जाए तो मेरा फ़ोन डेड हो चुका था फ्रेंड्स, इसलिए मैं वहाँ का बाकी क्लिप नहीं ले पाया। तो कल रात को जैसे ही पहुँचा बोरमा में, फिर डायरेक्टली मैं बिस्तर में जैसे ही गिरा वैसे ही डायरेक्ट सो चुका था फ्रेंड्स, इसलिए मैं मतलब वीडियो भी एडिट नहीं कर पाया, इसलिए कुछ कर नहीं पाया। सो अभी यहाँ पे आ चुका हूँ। थैंक यू सो मच टू आवर बिग ब्रदर्स कि आप लोगों ने हम लोग को, आप लोग के जो डोनेशन में है उसमें हम लोग को भी पार्टिसिपेट लेने दिया हम लोग को, ये हम लोग को भी हेल्प करके अच्छा लगा। बोला जाए तो इसमें भी हम लोग ने भी थोड़ा कंट्रीब्यूट किया था मोटो गियर्स से,
लेकिन बोला जाए तो हम लोग ही नहीं थे इसमें, इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे बोरमा से, जितने लोग हैं जैसे कि कुछ राइडर्स भी थे, कुछ नॉर्मल पीपल्स भी थे, उसके बाद कुछ हम भी थे। तो फिर हम लोग ने मिलके जितना हो सके हम लोग के साइड से कलेक्ट किया, फिर हम लोग ने मतलब भैया लोग को भेज दिया था। तो फिर भैया लोग ने शॉपिंग करके वहाँ पर ऑलरेडी रख चुका था, तो फिर मैं यहाँ से उमेश भैया के साथ गया मैं, और उमेश भैया के साथ जाके वहाँ पे भैया लोग को मीट किया। फिर मीट करने के बाद हम लोग अपने आ रहे डेस्टिनेशन तक गए, फिर हम लोग ने पूरा सामान डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके बाद सब सही से हो गया। तो आज का वीडियो बस यहीं तक दोस्तों, आपको कैसा लगा वीडियो फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए, अगर कोई मिस्टेक हुआ तो प्लीज़ वो भी कमेंट करके बताइए, ताकि मेरे को पता चले कि मुझसे क्या मिस्टेक हुआ और मैं वो मिस्टेक सुधार सकूँ।